हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमिताज किचन, कुछ मीठा कुछ नमकीन। आज मैं आपके लिए वाइट सॉस पास्ता की रेसिपी लेके आई हूँ। इसमें सबसे पहले हमने पास्ता को बॉईल करने रखना है। तो ये देखिए, मैंने पानी यहाँ पे गरम कर लिया है। इसमें मैंने कुछ नहीं डालना। इसमें मैंने एक, ये देखिए, एक टी स्पून ऑयल लिया हुआ है। कोई भी आप यूज़ करिए, रिफाइंड ऑयल। और थोड़ा सा नमक डालना है, सॉल्ट डाल देंगे इसमें एक टीस्पून अराउंड। और उसके बाद ये कौन सा पास्ता कोई भी आप यूज़ करिए, पास्ता आपकी चॉइस का। उसके बाद इसको हमने बॉईल करने रख देना है, एक अच्छे से बॉईल कर। वैसे पानी मेरा ऑलरेडी गर्म हो चुका है, पर एक अच्छा सा उबाला आ जाए, दो तीन मिनट हाई फ्लेम पे आप इसको कर लेंगे हम लोग। उसके बाद इसको थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पर कर देंगे। इसके बाद में, इसके साथ साथ चलिए मैं वाइट सॉस की भी प्रिपरेशन कर लेती हूँ, वो भी कर लेते हैं साथ साथ। देखिए, हमारा इधर पास्ता बॉयल हो रहा है। अब इसको बॉयल होते हुए अराउंड 5 to 7 मिनट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। और मैं इधर यहाँ पे देखिए वाइट सॉस पास्ता बना लेती हूँ। इसमें मैंने ये अराउंड 50 ग्राम्स मैंने अराउंड ये मक्खन लिया हुआ है। ये जो 100 ग्राम्स की आती है अमूल बटर की, उसका आधा लिया हुआ है मैंने। अब इसको ये मेल्ट हो जाएगी, थोड़ा सा मेल्ट कर लेते हैं। ये वाइट सॉस पास्ता बच्चे बहुत ही शौक से खाते हैं, बड़े भी खाते हैं। साथ में आप सारी गार्लिक ब्रेड बनाइए, बाजार से मंगाइए, घर में भी आप बना सकते हैं। उसके साथ एक पूरा मील हो जाता है। और आजकल तो खैर सभी पसंद करते हैं इटालियन। देखिए, बटर मेरा मेल्ट हो गया। अब इस टाइम पे मैं इसमें, ये देखिए, स्पून, एक, दो, अराउंड 3 स्पूंस लिए हुए थे, अराउंड, ये देखिए, अराउंड 3 स्पूंस मैंने ये डाल दिया। मैदे को हिलाते रहना, इसमें लम्स ना पड़े, इस बात का ध्यान रखना है। इसके बाद इसको स्लो फ्लेम पे कर देंगे। इसको हिलाते रहना, हिलाते रहना, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना इसको। ये हल्का सा जब भुन जाएगा, आपको पता चलेगा, तो हल्का सा पिंक सा कलर हो जाता है, लाइट ब्राउन कह लीजिए आप जो भी, वह स्मेल भी आने लगती है भुनने की। ये देखिए, लगभग हो गया, ये अराउंड 4 मिनट करीब हो गया मेरे को इसको हल्की करते हुए। बिल्कुल स्लो फ्लेम पे मैं इसको भून रही हूँ, क्योंकि हाई फ्लेम पे करेंगे तो ये एकदम से बटर है, तो बटर में बहुत जल्दी ये एकदम से जल जाएगा। तो इसको 4 मिनट हो गया, अराउंड 4 से 5 मिनट के बीच में ये हो जाता है। अब ये हो गया है। अब मैं इसमें, इस टाइम पे मैं इसमें मिल्क लिया हुआ है, ये देखिए, मैंने इसमें 1/2 लीटर पूरा मिल्क डाल दिया है। अब हमें इसको थोड़ा सा हाई फ्लेम पे कर लेते हैं इस टाइम पे, और इसको स्टर करते रहेंगे, छोड़ना नहीं है हमने, क्योंकि अगर जैसे ही छोड़ेंगे तो इस टाइम पे लम्स बनने का रहता है। अब इसको हमें 5 से 7 मिनट हाई फ्लेम पे लगातार कंटिन्यूसली इसको चलाते रहना है। ये देखिए, हमारा पास्ता बॉईल हो गया। इसको चेक करने के लिए हमें एकदम से एक पकड़ के, देखिए, आराम से टूट गया है पास्ता हमारा, हो गया। अब हम इसको स्ट्रेन कर लेते हैं और उसके बाद ठंडे पानी से धो के रख लेते हैं। साथ साथ मेरी सॉस भी हो रही है इधर, देखिए लगभग हो गई है। मैं इसको इधर स्ट्रेन कर लेती हूँ फटाफट। इसको मैंने थोड़ी स्लो फ्लेम पे कर दिया है। इस समय मैं पास्ता स्ट्रेन कर लेती हूँ। देखिए, उसको स्ट्रेन कर लिया है मैंने पास्ता को अच्छे से। स्ट्रेन करने के बाद एक बात और करिएगा, उसको अच्छे से ठंडे पानी से धो लीजिएगा, क्योंकि अगर आप थोड़ी देर के लिए रख रहे हैं, अगर वो गर्म रहा तो कुक होता रहेगा पास्ता, ओवर कुक हो जाएगा। तो उसको ठंडे पानी से अच्छे से वॉश करके रखिए। और इधर देखिए, आप हमारा ये तैयार हो गया। इस टाइम पे मैं इसमें, मुझे सॉल्ट और पेपर डालना है। सॉल्ट टू टेस्ट आप डाल लीजिएगा, और पेपर इसमें थोड़ा सा अच्छे से डलेगा। बाकी आप अपने टेस्ट के हिसाब से देख लीजिएगा कि आपको कितना कम ज़्यादा चाहिए। और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे, ये देखिए, ये चीज़ पड़ा हुआ है। मैंने अमूल का ब्लेंड चीज़ लिया हुआ है, ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ। 3 स्पून मैंने इसमें यहाँ पे डाल दिया,
और उसके बाद आ गया टाइम वेजीज का। अब हम इसमें ये देखिए, ये मैंने काट के देखिए क्या क्या रखा हुआ है। देखिए ये कॉर्न रखा हुआ है, ये बेबी कॉर्न है, मशरूम है, स्वीट कॉर्न है, बेल पेपर्स एंड कैप्सिकम है, और ये कैरेट है। तो मैं वेजीज को उसके हिसाब से, जैसे पहले मैं ये डाल दूंगी, बेबी कॉर्न डाल दूंगी, कैरेट डाल दूंगी, क्योंकि हमारा ऑलरेडी पूरा कुक हो चुका है, तो हम फटाफट डाल के, और वेजीज हमने थोड़ी क्रंची रखनी है, हमने ये ओवर कुक नहीं करना है, तो बस इनको डाल के अच्छे से 2 मिनट के लिए अच्छे से इनको कुक कर लेंगे। ये देखिए हमारी बिल्कुल तैयार हो गई वेजीज, मैंने 2 मिनट पका लिए हैं इसको अच्छे से। अब इस टाइम पे मैं इसमें थोड़ा सा ओरिगैनो डालूंगी और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल दूंगी। इसमें सिर्फ 1 सेकेंड चिली फ्लेक्स डाल दूं, अब बाकी देखना आपने कितना थोड़ा वो करना है, तो ज़्यादा डाल लीजिएगा आप चिली फ्लेक्स। अब मैंने इस टाइम पे, अब ये जो पास्ता हमारा हुआ हुआ था इसमें ये इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए कितना चीज़ी पास्ता लग रहा है अभी तो। इसके बाद हम डिश में डाल के हमें बेक भी करेंगे माइक्रोवेव में। ये देखिए हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है बेक होने के लिए। आप बाकी कितना आपको जूसी चाहिए उस हिसाब से आप उसमें मिल्क, आपको लग रहा है कि थोड़ा सा कई बहुत ड्राई मत करिएगा, क्योंकि आगे बेक होने के बाद और ड्राई हो जाता है, तो थोड़ा सा इस हिसाब से रखिएगा कि आपको लग रहा है कि दूध की थोड़ी सी और ज़रूरत है, तो आप थोड़ा सा दूध इसमें और ऐड कर सकते हैं सॉस को थोड़ा पतला करने के लिए। बाकी इट्स अप टू यू कि आप कैसा खाना पसंद करते हैं। ये हमारा देखिए बिल्कुल रेडी हो गया है बेक होने के लिए। अब हम इसको डिश में डाल के इसको बेक होने के लिए रख देते हैं। ये देखिए हमने पास्ता डिश में डाल दिया है बेक होने के लिए। इसके ऊपर हम ये चीज ऊपर से तो और डालेंगे, अच्छे से डालना है चीज ही अगर आपको खाना है तो। ये व्हाइट सॉस पास्ता तो वैसे भी जितना, और हाथ से इसलिए मैं डाल रही हूँ कि हाथ से काफी अच्छे से पूरी हर जगह, ये देखिए अच्छे से चीज डालना है। अगर आपको लग रहा है ये भी कम है तो आप और भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चीज जितना हो। देखिए मैंने सारा डाल दिया, अब मैं इसको बेक कर लेती हूँ। मैं 180 डिग्री पे करूंगी इसको, अराउंड 10 मिनट्स करेंगे। बाकी आप देखते रहिएगा, जब ऊपर से बिल्कुल ये लाइट ब्राउन सा हो जाए बस आप इसका बेक हो जाएगा। मैं इसको बेक कर लेती हूँ फिर मैं दिखाती हूँ। देखिए हमारा पास्ता बेक हो गया, व्हाइट सॉस पास्ता अब खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप इसको ट्राई करिए, बनाइए, और मेरे और भी वीडियोस देखिए और बताइए आपको कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो आप उसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।